राखी कल खोली थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं हम देखेंगे, लेकिन कल जैसे कि आपने एयरपोर्ट पे कहा था मैं होली नहीं मनाऊंगी, तो आपने नहीं मनाया कल। मॉम के बिना पहली अधूरी पहली होली जो थी वो कैसी लगी आपको, कैसी रही आपकी होली? मेरे लिए कोई होली कोई त्यौहार मेरे लिए नहीं है अब, ना मेरी माँ रही है और मैं अपने पति से जुदा हो गई हूँ। मेरा कहने के लिए पति है लेकिन बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे। कल फ़ोन आया था मैसूर जेल से, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। नई शुरुआत करते हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा करते हैं नई शुरुआत, मेरी माँ ला दो, करते हैं नई शुरुआत। जो तुमने मुझे मारा है उसका क्या, जो तुमने मुझे टॉर्चर किया है, तीन तीन बजे चार बजे तक मैं सड़कों पे तुम्हें ढूंढ रही हूँ, वो जो रुलाया है, जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मीडिया के सामने माफ़ी मंगवाई कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर बसे, जाओ माफ़ी मांगो पहले मीडिया के सामने। मैंने मीडिया के सामने माफ़ी मांग, उसके पैर पड़े घर बसाने के लिए। मैं खुश हूँ अभी, अकेले खुश हूँ मैं। नहीं चाहिए कोई पति, नहीं चाहिए कोई प्यार, नहीं चाहिए कोई सपने, नहीं चाहिए कुछ भी। नमाज़ पढ़ती हूँ 5 टाइम मैं, फजर का, मगरिब का, जोहर का, इशा का, सारे 5 टाइम के नमाज। मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ तो बस मैं सीख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, खुदा को कह रही हूँ कि बस उसको सज़ा मिले। बोलने में पता नहीं चलेगा लोगों को दर्द मेरा, जो उन्होंने मेरे साथ किया है आदिल ने, पता नहीं चलेगा। 8 महीने शादी के बाद मैं कभी भी खुश नहीं रही हूँ, हमेशा कि चलो अब शादी हो गई है मेरी तो मैनेज करना है हर औरत को। पैसा पैसे के अलावा, चिटिंग के अलावा कभी कोई बात ही नहीं करता था। पैसा पैसा पैसा, चिटिंग चिटिंग, लड़कियाँ। दुबई में एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, अब वो मेरी फ्रेंड है, नाम नहीं ले सकती। उसको 10 करोड़ दे रही थी तो उसने मेरी पहले बुराई करी, वो कहता है, लेकिन वो लड़की कहती कि मैंने तुम्हारी बुराई कभी नहीं करी, पाकिस्तानी है राखी, मैंने तुम्हारी बुराई कभी नहीं करी। तो वो कहता है कि वो लड़की मुझे कहती है कि क्या राखी में रखा है, मैं तुम्हें 10 करोड़ देती हूँ, तुम राखी को छोड़ दो। और हालांकि वो लड़की शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसे। तो उन्होंने मेरी पार्टनर जो है देविका जी दुबई में, उनको उन्होंने बोला, भाई को भी बोला कि मैं राखी को छोड़ दूँ क्या, वो एक लड़की है पाकिस्तानी, वो मुझे 10 करोड़ दे रही है और मुझे सिर्फ उसके साथ। तो देविका सिस्टर आफ्ताब भाई ने बोला कि मुझे भी कहा, अल्लाह की कसम, मेरे जीसस की कसम, मेरी माँ की कसम, ऐसी बालकनी खड़ी थी, मेरा साथ दो, उस लड़की को मैं फंसाऊंगा, 10 करोड़ ले लूंगा, हम फिल्म बनाएंगे, हम ये करेंगे। मैंने कहा नहीं, किसी को फंसाओ मत, मत फंसाओ किसी को, तुम्हारा ये 10 करोड़ यहाँ से आएगा, यहाँ से कोई लेकर चला जाएगा, हराम मत करो, मत करो हराम, मेरा जेवर मेरा सब कुछ बेच के तुमको पैसा दे दिया है, मत करो हराम, मेरा पैसा डुबो दिया और ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने ढूंढ के भी नहीं निकाला कुछ भी, और बेल के लिए कैसे सैंक्शन दे दिया आई डोंट नो। नहीं मैसूर पुलिस फिर भी स्ट्रिक्ट है, नहीं मैसूर पुलिस कमांडे अंदर से कॉल आया था कि इन्होंने 3 नंबर लिखवाए हैं,
एक मेरा, एक उनके डैडी का और एक उनके एडवोकेट का, तो वहाँ से वो फ़ोन कर सकते हैं, बात करें, सब भूल जाओ। मैंने कहा कैसे भूलूँ, एंड क्या गारंटी कि चलो भूल के भी आप वापस आए मेरे को मार नहीं डालोगे। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ क्या गारंटी है। मैंने उसे कहा था कोर्ट में लिख कर दे, कोर्ट में लिख कर दे कि मैं इसका पैसा दूंगा, कोर्ट में लिख कर दो कि मैं इसको पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कोर्ट में लिख कर दो कि मैं अपनी शादी को लॉयल रखूंगा, कोर्ट में लिख कर दो। कभी किसी औरत के साथ रिलेशन नहीं रखूंगा, कोर्ट में लिख कर दो कि कभी तलाक की धमकी नहीं दूंगा। मैंने कहा कोर्ट में लिख कर दो, बता नहीं लिख के दूंगा, मतलब उसे करना है, उसे करना है। मैं अपनी अकेली जिंदगी निकाल लूंगी, माँ माँ क्यों छोड़ के चली गई माँ, मैं अकेली हूँ, नहीं बर्दाश्त करती माँ। कल शबे बारात थी, मुस्लिम के हिसाब से वो सबसे बड़ी रात होती है जहाँ पे यू नो हर दुआ को कबूल कर लिया। मैंने दुआ मांगी थी, हालांकि जो हम दूसरों को माफ करना चाहते हैं खुद की गलतियों के लिए, दुआ मांगी थी मैंने शबे बारात में, रात को नमाज पढ़ के ईशा की नमाज पढ़ी, फिर जो दुबई में थी कुछ नहीं पढ़ पाई, कज़ा पढ़ी, कज़ा पढ़ना पड़ता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तो मैंने कहा या अल्लाह मैं तो तेरा नाम लेकर एकदम लॉयल रही बीवी, एकदम ईमानदार बीवी रही, तो आप देखो मेरे शौहर ने मेरे साथ क्या किया। मैं उसकी सज़ा नहीं उसे दूँ, आप उसको उसकी सज़ा दो। कल मैंने उसको बोला तुमने जो मेरे साथ किया, तुम्हारी बहन कहीं तो शादी करोगी, तुम्हारी बेटी होगी, उसके साथ यही होगा। फिर मेरे दिल ने कहा कि मैं किसी बहन बेटी को क्यों किसी को पूछ, इसकी कर्मों की सज़ा उसको क्यों किसी को बोलूँ, तेरे कर्मों की सज़ा तुझे मिलेगी आदिल। आदिल ने मुझे सिर्फ दिल ही नहीं तोड़ा है, मेरी जिन्ने की उम्मीद, मेरी जिंदगी ले ली है। ये अकेले भी कल मैं रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे, आंसू रुक ही नहीं रहे। शायद जो मेरा दर्द समझते हैं, शायद वो दर्द समझे। मैं अभी दुबई में बहुत अच्छी अकेडमी खोल के आई हूँ, मेरी सिस्टर देवी का, मेरे भाई आफ्ताब भाई, जैनब भाभी, उनके द्वारा उन्होंने अच्छा फाइनेंस किया वहाँ पे मुझे, और राखी सावंत अकेडमी खोल के आई हूँ। और दुबई, अगर आप दुबई में लोग मैसेज देख रहे मेरा मैसेज, तो जब मैं आई बॉलीवुड में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, बट मैं तुम्हारी गॉड मदर बनना चाहती हूँ। आप लोग राखी सावंत अकेडमी मुंबई दुबई में आप ज्वाइन करें, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, मैं तुम्हारी मैनेजर बनूँगी और तुमको बॉलीवुड में काम दिलाऊंगी। मैं 15-20 सालों से हर चीज़ जानती हूँ, तो जिसकी जो कैटेगरी है उनके लिए उनको काम दिलाऊंगी मैं। आपने जो स्ट्रगल देखा है वो शायद ही किसी ने देखा होगा। लेकिन मेरी बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा बॉलीवुड बहुत अच्छा है, मेरे हर दुख में मेरे के साथ खड़ा है। कल झूठा का टीजर भी आ गया है, उस छोटे से टीजर को देखकर हमने आपके पूरे दर्द को फिर एक बार महसूस किया, जिस तरीके से हमने आपको। आने दो ना, इसके बारे में हम उसी दिन बताएंगे, लेकिन हाँ मेरी और आदिल की कहानी है, सिर्फ 4 मिनट में थोड़ी सी कहानी बताई है, लेकिन आप रोएंगे। जिसके साथ गुजरा है 10 तारीख को डेफिनेटली मिलते हैं, और जितने भी यंगस्टर्स हैं सबको कहना चाहती हूँ, खुदा के अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप पैसे कमाओ सब करो, खुदा के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो, शैतान ऐसा पकड़ लेगा ना आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, लेकिन 70 माओ का दिल रखने वाला अल्लाह अब्बा पिता है, खुदा है, वो तो आपको हर वक्त माफ़ कर ही देगा, लेकिन मौका ही मत दो ना माफ़ करने का। गलती हमसे होती है, नमाज पढ़ो, माँ बाप की सेवा करो। माँ चली जाती है, बाप चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आते वो लोग, नहीं आते। हमें भी जाना है एक दिन। नमाज पढ़ो, आपको जो करना है करो जीवन में,
लेकिन नमाज पढ़ो, क्योंकि मैंने बहुत सारे यंग लड़कों को सबको बोलते नमाज पढ़ा, बोलता नहीं मैं जुम्मा को जाता हूँ, नहीं जुम्मा नहीं रोज पढ़ना है, फर्ज आपका फर्ज है, फर्ज निभाओ। शुक्रिया। मैं आदिल मेरे साथ मुंबई की कंपनी में पार्टनर था, तो उन्होंने कंपनी में बहुत चिटिंग किया है, झूठा गुमस्ता बनाया, झूठा प्रोप्राइटर का ये बनाया है, हाँ, और जो कंपनी का अकाउंट होना चाहिए था आदिल का, उन्होंने अपना इंडिविजुअल अकेले अकाउंट खोल के उन्होंने उसमें पैसे डाले 10 लाख रुपए, वो तो हमने कंपनी डिसॉल्व करी है, और उसके कोटक महिंद्रा बैंक है वो हमको वो सब कुछ नहीं दे रही है, हम कोर्ट से लेटर भेजेंगे, तो हमने उसको कंपनी से निकाल दिया है, उन्होंने कंपनी में राखी सावंत अकेडमी में चिटिंग किया है, तो मैं उनको कंपनी से निकाल दिया है आदिल को, तो इसलिए डिसॉल्व का जो समय रहता है अखबार में छापना नोटिस भेजना, तो वो पीरियड ख़त्म होते ही मैं मुंबई की अकेडमी राखी सावंत अकेडमी स्टार्ट करूँगी। खुदा अल्लाह अब्बा पिता जीसस परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरी सारी अकेडमियाँ मेरी माँ के आशीर्वाद से उसका सपना ज़रूर पूरा होगा जी। खुदा